हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 01 के असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो असाइनमेंट है जुलाई 2023 सेशन के लिए और जनवरी 2024 सेशन के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एमए हिस्ट्री के कोर्स में कुछ बदलाव किया गया है इग्नू के अंदर में। क्या बदलाव किया गया है? तो जो भी स्टूडेंट जुलाई 2023 से एमए हिस्ट्री के लिए अगर इनरोल कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, नया एडमिशन ले रहे हैं, तो उनका जो कोर्स एमए हिस्ट्री का पहले हम एनुअल मोड के अंदर में स्टडी करते थे, वहीं पर अब नए स्टूडेंट को सेमेस्टर मोड के अंदर में पढ़ने के लिए मिलने वाला है। साथ साथ में इनके सिलेबस में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। सिलेबस के अंदर में कुछ नया बुक ऐड किया गया है। जो बहुत ज्यादा लेंथी बुक थे उनको पार्ट्स में बांटा गया है, जो लेंथी चैप्टर थे, टॉपिक्स थे, उनको छोटा किया गया है। ठीक है, एडिशनल चैप्टर्स को ऐड किया गया है। तो काफी सारा परिवर्तन आपको एमए हिस्ट्री के बुक में देखने के लिए मिलने वाला है। अभी जो असाइनमेंट हम सॉल्व करने वाले हैं, ये एनुअल मोड का असाइनमेंट है एमएचआई 01। जो आपका सेमेस्टर मोड का असाइनमेंट है मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ एमएचआई 101 का। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एमएचआई 101 का प्लेलिस्ट अलग बनाया हुआ, उसमें जाकर आप प्रॉपरली देख सकते हैं। अभी हम एमएचआई 01 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बुक का नाम है प्राचीन और मध्ययुगीन समाज। चलिए हम इसके असाइनमेंट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ जो एमएचआई 101 के असाइनमेंट का, अगर इंट्रोडक्शन लेके किस तरह का असाइनमेंट है, क्या चीजें इसमें देखने के लिए मिलती है, तो देखो असाइनमेंट एक बेनिफिट आपके लिए बहुत ज्यादा देता है। बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहला बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपके असाइनमेंट में जितने भी नंबर आएंगे ना, उसको 30% आपके फाइनल मार्क्स में जोड़ा जाता है। तो एक प्लस पॉइंट तो ये रहता है कि आपका मार्क्स जुड़ने वाला है। तो जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना ज्यादा नंबर आपका फाइनल मार्क्स के अंदर में जुड़ेगा, और उसके बेसिस पे ही होता है कि आपका कौन सा डिवीजन के साथ में आप पास करते हो। जो भी डिग्री डिप्लोमा मिलता है उसमें जो डिवीजन दिखाया जाता है कि आपने फर्स्ट डिवीजन से पास किए, सेकंड डिवीजन से पास किए, तो उसके अंदर में असाइनमेंट के नंबर का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। दूसरा यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि आप ये मान के चलो कि इसका जो असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट आप सॉल्व कर रहे हो ना, जितने भी असाइनमेंट आप बनाते हो, जितना ज्यादा आप उसमें मेहनत करोगे, आप ये मानकर चलो कि असाइनमेंट आपके एग्जाम का ब्लूप्रिंट है। सेम इसी पैटर्न से आपका एग्जाम के क्वेश्चन भी आता है, कुछ परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे आपका बुक का नाम हो गया एमएचआई 01, बुक का नाम हो गया प्राचीन और मध्ययुगीन समाज, ये आपका कोड हो गया बुक का और नाम ये हो गया। साथ साथ में 100 नंबर का आपका टोटल पेपर होता है, 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, दो पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर बटा होता है। सेम एग्जाम में भी यही पैटर्न रहता है, कुछ चेंज नहीं किया जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको असाइनमेंट में भी याद रखना है और जब भी आप पेपर सॉल्व करोगे, जब भी एग्जाम दोगे तो भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके नंबर बढ़ते हैं या कटते हैं। क्या याद रखना है कि हर आंसर का, जो भी आप आंसर लिख रहे हो ना, जिस किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको वर्ड लिमिट को हमेशा फॉलो करना है और 500 वर्ड के अंदर में ही अपना आंसर कंप्लीट करना है। अगर आप इस वर्ड लिमिट को फॉलो कर रहे हो तो अच्छा नंबर मिलता है। चलिए हम आगे बात करते हैं और अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं असाइनमेंट के। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पशुपालक खानाबदोश को परिभाषित कीजिए, पशुपालक खानाबदोश के समाज और अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। आपका जो एमएचआई 01 का जो बुक है उसके अंदर में सेकंड चैप्टर ही पशुपालन खानाबदोश के ऊपर में पूरा है। अगर आप पशुपालक खानाबदोश की जीवन शैली के बारे में बात करते हो, तो उनका जीवन शैली रहा कैसे, तो ऐसा नहीं है कि पशुपालक खानाबदोश जो पशु को पालते थे तो अचानक से उन्होंने पालना शुरू कर दिया। ठीक है, समय के साथ में परिवर्तन हुआ। ठीक है, जैसे आप आरंभिक मानव के बारे में अगर स्टडी करते हो, तो आरंभिक मानव क्या आज जिस रूप में हम दिखते हैं, क्या उस रूप में थे पहले? नहीं, धीरे 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 परिवर्तन होता गया, फिर हम होमो सेपियंस सेपियंस के रूप में बदले। ठीक है, तो समय के साथ में परिवर्तन होता है। तो जो आरंभिक मानव था वो शिकार संग्रहण पे डिपेंड रहता था, शिकार करता था, संग्रहण करता था, रसद करता था। ठीक है, मछली को पकड़कर खाता था, तो इन सब चीजों से उसका जीवन यापन चलता था। पर समय के साथ में जब एक जगह से दूसरी जगह उसने पलायन करना शुरू किया, एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू किया, इस जाने के पीछे रीजन क्या रहता था? तो खाना की खोज रहता था, जलवायु में परिवर्तन रहता था, और भी बहुत सारी चीजें रहती थी जिसके कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होते थे। और इसी प्रक्रिया के दौरान में उन्होंने पशुओं को अपने साथ में रखना शुरू किया और वो पशुपालक खानाबदोश कहलाते हैं। ठीक है, और जो भी जानवरों को उन्होंने रखा तो उसको सिलेक्ट करना भी बहुत मुश्किल का काम था। अगर मान लो शेर को अपने साथ में रख रहे, क्या पता शेर ही उनको खा जाए, तो उन जानवरों का चयन करना ये भी बहुत बड़ा मुश्किल का काम था। स्टार्टिंग में उन्होंने भेड़, बकरी, कुत्ता, सुअर जैसे जानवरों का उन्होंने पालना स्टार्ट किया। ठीक है, जिसका मेन रीजन क्या होता था कि जैसे कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, इनके ऊपर ज्यादा उन्हें खर्च नहीं करना पड़ता था। खर्च नहीं करने का मतलब क्या, इनके लिए कोई अलग से खाने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। जो भी इनका बचा खुचा खाना होता था मनुष्य का, वही वो खाकर रह जाते, तो उनका जीवन यापन हो जाता था। और साथ साथ में भेड़ बकरी पालने का मेन रीजन क्या था कि अगर रास्ते में कहीं भूख लगती है, कहीं भोजन का प्रबंध नहीं होता, तो उसका वो उपयोग कर सके भोजन के तौर पर। और साथ साथ में मवेशियों का भी साक्ष्य मिलता है कि मवेशियों को भी पाला जाता था,
मवेशियों को पालने का मेन उद्देश्य ये माना जाता है कि दूध की कमी या दूध का जहां पे उपयोग करना हो भोजन के रूप में तो उसका उपयोग भी किया जा सके, ये माना जाता था। अधिकांश जो लोग थे उन्होंने कुत्ते को पालतू बनाया। कुत्ते को पालतू बनाने का मेन रीजन क्या होता था कि शिकार को ढूंढना, ठीक है, पहाड़ों पर चढ़ना, अलग से रखवाली करना, तो इन सारी चीजें रीजन रहती थी जिसके कारण से कुत्तों को जब पालतू बनाया गया। और कुत्तों को पालतू बनाने का रीजन एक और रहता है कुत्ते और सुअर का, कि जो भी इनका बचा खुचा होता था वो उसको खा जाते थे, तो उसके ऊपर ज्यादा उनको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता था, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ता था, वो जहां मर्जी रह सकते थे, प्रॉपर जिस मर्जी वातावरण में रह सकते थे और इंसानों के साथ वो इजिली कंफर्ट हो जाते थे और रह सकते थे, ठीक है। तो इसके कारण से ये चीजें देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप बात करोगे खानाबदोश समाज के अंदर में अर्थव्यवस्था किस प्रकार का था, तो इनका जो मूलभूत अर्थव्यवस्था की अगर आप बात करोगे तो इस समाज के अंदर में पशुओं का मेन इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। पशुओं के ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था डिपेंड थी, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे। इस दौरान में वो घोड़े का पालन करना, ठीक है, अलग अलग जगह जब उन्होंने घोड़े का पालतू बनाया, घोड़े को पालतू बनाया, घोड़े का जब उन्होंने उपयोग करना सीखा, ठीक है, तो वो डाकू जैसे कार्य भी करने लगे। डाकू मतलब लूटपाट जैसी घटनाएं उनको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे आप पशुपालन खानाबदोश का मैंने MHI 101 में और MHI 101 के अंदर में, दोनों के अंदर में मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था खानाबदोश वाला, जिसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से चंगेज खान का उदय हुआ, मंगोलिया साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, वो भी एक खानाबदोश के तौर पे ही थे। उन्होंने क्या किया कि जो भी उनका अपोनेंट होता था, जो भी उनका खानाबदोश, जो हल कम पावर वाला खानाबदोश होता था उसको मिटा देते थे। जो भी कबीलाएं होते थे कम पावर वाले होते थे, जिनके पास पावर नहीं होता था, या उनका जो शासक होता था वो ज्यादा पावरफुल नहीं होता था, जो सरदार होता था वो पावरफुल नहीं होता था, तो उसको पतन कर दिया जाता था, उसको किस तरह से मिटा दिया जाता था, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो वहीं यहाँ पे सेम उसी बारे में हम बात करते हैं कि जैसे जैसे खानाबदोश पावरफुल होते जा रहे थे, जैसे जैसे घोड़े का पालन तू किया, ठीक है, औजारों का उपयोग करना सीखा, धीरे धीरे जो उन्होंने एक ताम्र प्रशान और अलग अलग जो समय पीरियड के दौरान में अलग अलग चीजों का उपयोग करना सीखा, और उसके उपयोग से उनकी अर्थव्यवस्था भी ग्रो कर रही थी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग प्रजातियों पर निर्भर थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी पाल के ही वो आगे बढ़ सकते थे, तो उनके अलग अलग प्रजातियों को भी उन्होंने पालतू बनाने की कोशिश करी। खाद्य उत्पादन की नई नई व्यवस्था, मतलब जो विधि थी उसको सीखने का प्रयास किया। खाद्य उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के अंदर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इसके बारे में उन्होंने सोचा। साथ साथ में इनकी जो जीवन शैली थी वो भी समय के साथ में परिवर्तित होते हुए देखी जाती है। स्थिर बने रहने के लिए समाज के अंदर में आदान प्रदान करते थे, ठीक है, जिस जगह पे भी जाते थे, मतलब अपनी स्थिति को कायम रखने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पलायन किए तो समाज के अंदर में विनिमय करते थे, कुछ देते थे कुछ लेते थे, इस तरह का व्यापार वो किया करते थे। खजानों करके जो इतिहासकार है उनका मानना था कि अगर बाहरी दुनिया खानाबदोश की अगर मदद नहीं करते, पशुपालक खानाबदोश की, तो शायद वो कब का उनका पतन हो जाता, कब का वो मर जाते, जिंदा नहीं रहते, ये उनका मानना था। जैसे बाहरी दुनिया मदद कैसे करती थी, तो अगर उनके पास कोई प्रोडक्ट है किसी चीज का, कोई उन्होंने चीज ढूंढ के लाया बनाया उन्होंने, तो उसको बाहर की दुनिया जो लोग थे, जो दूसरे लोग थे, वो खरीदा करते थे। जैसे आप देखोगे जहां मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर में, तो हमारे घर से कुछ दूरी पे बंजारे लोग आते हैं राजस्थान से, अलग अलग जगह से, मध्य प्रदेश से, और वो पूरा झोपड़पट्टी लगाकर रहते हैं, पूरा उनका बच्चा बीवी बच्चों के साथ में प्रॉपर आते हैं, और वो लोहे का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, अलग अलग तरह के हथियार औजार बनाते हैं। वो अगर वो जार बना रहे हैं, अगर हम उनसे वो जार खरीदे नहीं, तो उनका तो जीवन व्यापन नहीं हो सकता ना। वो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करते रहेंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, तो कहीं ना कहीं उनकी निर्भरता हमारे ऊपर है। भले ही हम उनको माने ना माने, पर उनकी निर्भरता कहीं ना कहीं हमारे ऊपर है। अगर हम उनको सपोर्ट ना करें तो वो पतन की ओर बढ़ेंगे, वो खत्म हो जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, ये सारी चीजें खजानोव के द्वारा कहा जाता है। ठीक है, समझ में आता है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्लियर होता है। देखो इस वीडियो के अंदर में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन को एलिब्रेट कर रहा हूँ कि क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में, क्या आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि जो आप पहली बार अगर असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं चाहे 01 का, तो आपको पता नहीं होगा कि कहाँ से आंसर मिलना है, क्या लिखना है, ठीक है, तो एक आपको प्रॉपर आइडिया हो, ठीक है, और इसका प्रैक्टिस अगर आप सही तरीके से करते हो तो आपका बेनिफिट ये आपको एग्जाम में भी इसका देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे हम बात करते हैं कांस्ययुगीन सभ्यताओं में व्यापार और व्यापार की भूमिका। जो कांस्ययुगीन सभ्यता है उसके अंदर में व्यापार की भूमिका क्या है। देखो अब कांस्ययुगीन सभ्यता के अंदर में मानव जो था धीरे धीरे सीखने लगा, ज्ञान की उत्पत्ति होने लगी उसको, और लोहे का धातु का उपयोग सीख चुका था, अलग अलग तरह के जो धातु थे उसका उपयोग सीख चुका था, उसके उपयोग से वो अलग अलग तरह के औजार और अलग तरह के तकनीकों का उपयोग कर रहा था। अब देखोगे जो आरंभिक मानव थे वो शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाते थे, हड्डियों के औजार बनाते थे, पर कांस्ययुगीन सभ्यताओं के अंदर में ये देखने के लिए मिला कि उनके औजारों में परिवर्तन हुआ। औजारों में परिवर्तन के साथ साथ में बहुत ज्यादा धारदार औजार बनाए जाने लगा, ठीक है, इनकी जो व्यापार की पद्धति में परिवर्तन देखने के लिए मिल जाता है। बाह्य व्यापार स्रोतों का निर्माण किया जाता है, जो बाहर व्यापार किया जा सके इसका निर्माण किया जाता है। बाह्य व्यापार से लोग एक दूसरे के संबंध स्थापित करते थे, व्यापार के जरिए क्या किया जाता था, संबंध बनाए जाते थे, संबंध स्थापित किया जाता था।
ठीक है, वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था, ठीक है, सभ्यताओं के आपस में व्यापारिक संबंध स्थापित किए जाते थे, ठीक है, अन्य देशों में भी व्यापारिक संबंध बनाया जाता था, ठीक है, आंतरिक व्यापार नगरीय था, ठीक है, जो अंदर का व्यापार था वो नगरों पर डिपेंड रहता था, बाह्य व्यापार को बढ़ावा दिया जाता था, ठीक है, सिक्कों का प्रचलन उस समय पर नहीं था, व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, जो वस्तु देकर एक चीज देकर दूसरा चीज लेना वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार किया जाता था, व्यापार के लिए जल एवं स्थल मार्गों का उपयोग किया जाता था, स्थल मार्ग मतलब क्या, रास्ता नए नए रास्ते बनाए जाते थे और ज्यादातर जो व्यापार समुद्री मार्ग से और जल मार्गों के थ्रू ही किया जाता था, बंदरगाहों का निर्माण किया जाता व्यापार को ग्रो करने के लिए, और कांस्य युगीन सभ्यता के अंदर में जैसे ही एंटर करता है जो मनुष्य, उस समय वो नई नई तकनीकों का उदय होता है, नई नई तकनीक सीखता है, औजारों के अंदर में परिवर्तन करता है और उन औजारों को बाहर बेचना, किस तरीके से चीजें जो विलासिता की वस्तु होती है उसका उपयोग करना, नए नए पत्थरों का उपयोग करना, एक जगह से दूसरी जगह व्यापारिक तौर पर परिवर्तित करना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना चीजों को, तो ये सारी चीजें हमें कांस्य युगीन सभ्यताओं के अंदर में देखने के लिए मिल जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रारंभिक रोमन साम्राज्य में राजनीतिक संरचना की व्याख्या कीजिए, रोमन साम्राज्य के अंदर में राजनीतिक संरचना किस प्रकार की थी। अगर आप इसके बारे में बात करोगे तो रोमन साम्राज्य का जो उदय देखा जाता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी के बीच में, रोमन साम्राज्य का पूरा टाइम पीरियड हम देख के चलते हैं, 500 वर्षों तक रोमन साम्राज्य खड़ा रहा, फला फूलता रहा, ठीक है, विकसित होता रहा, 500 ईसा में एक गणतंत्र के रूप में रोमन साम्राज्य को स्थापित किया गया, 500 से लेकर 280 ईसा पूर्व तक का पहला चरण रोमन साम्राज्य का माना जाता है विकास का, जहां पे पहला दौर चल रहा था 500 से लेकर 280 ईसा पूर्व के पूरे बीच का टाइम का, ठीक है, ये 500 से 280 पूर्व का ये पहला दौर के तौर पे रोमन साम्राज्य का माना गया। दूसरा जो दौर माना जाता है 280 से लेकर दूसरी शताब्दी तक का जो पूरा टाइम पीरियड था ये दूसरे दौर के तौर पर जाना गया, यहाँ पे रोमन साम्राज्य अपना ग्रो कर रहा था, इतावली प्रायद्वीपीय क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया गया, मध्य इटली पर अधिकार किया गया, ठीक है, गैर लैटिन जो राज्य थे उस पर अधिकार करने का प्रयास किया गया, गैर लैटिन भाषी लोग थे उनसे गठजोड़ किया गया, गैर लैटिन राज्यों के ऊपर में आक्रमण किया गया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर में प्रसार किया गया और कार्थेजिनियाई पर अधिकार कर लिया गया। तो मतलब जो पूरा रोमन साम्राज्य के अंदर में राजनीतिक संरचनाएं क्या थी, तो राजनीतिक संरचनाओं का विकास का जो दौर है वो हम दो चरणों के अंदर में देखते हैं, पहला चरण जो रहता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 280 ईसा पूर्व का पूरा टाइम पीरियड हम कवर करते हैं, जिसके अंदर में हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य का प्रसार किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से फैला, जो भी इस टाइम पीरियड के अंदर में शासक था उसका एक मोटिव था कि हम रोमन साम्राज्य का विस्तार करें, फैलाव करें, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो विस्तार करना शुरू किया उन्होंने, विस्तार करने के लिए व्यापारिक मार्गों का भी उपयोग किया, व्यापार का भी उपयोग किया, साथ साथ में धर्म का भी उपयोग किया, किस तरह से नए धर्मों को अपनाया गया, लोगों को जोड़ा गया, भाषाई आधार पर लोगों को किस तरह से इकट्ठा किया गया, ठीक है, मतभेद पैदा करके लोगों के अंदर में, जैसे आप देखोगे एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देना चाहूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करें, एग्जाम्पल ये कि जैसे देखोगे कई बार मूवी के अंदर में दिखाया जाता है कि कोई कोई मॉमडन क्रिकेटर है या कोई मॉमडन व्यक्ति है और वो पाकिस्तान के लोगों से मिलता है, ठीक है, जितने भी आप मूवी देखोगे ना जहां पे हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान इंडिया के बारे में बात किया जाता है, तो जितने भी मुस्लिम लोग हैं पाकिस्तान के लोग इस तरह से उनका माइंडसेट करते हैं कि यार देखो मैं भी मुस्लिम तुम भी मुस्लिम, हम दोनों तो भाई भाई हुए, हम दोनों तो एक दूसरे की फीलिंग समझ सकते हैं, जिस तरह मुझे कश्मीर चाहिए उस तरह से तुम्हें भी कश्मीर के लिए बोलना चाहिए, तो ये सारी चीजें मेंटेलिटी मूवी के अंदर में दिखाई जाती है, तो सेम चीज रोमन साम्राज्य के अंदर में भी दिखा जाता है, वो भाषाई आधार पर क्या देखो तुम भी हिंदी बोलते हो मैं भी हिंदी बोलता हूं, दोनों तो भाई हुए, चलो तुम भी उसके विरुद्ध खड़े हो जाओ, मैं इसके विरुद्ध तो ही हूं, तो इस तरह से चीजें देखी जाती है और मूवीज के अंदर में भी हमें यही दिखाया गया है। अगर आपको अगर कोई माइंड में मूवी हो ना तो मुझे बता सकते हो क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहले चरण के अंदर में देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा चरण जो था आपका 280 से लेकर दूसरी शताब्दी तक का पूरा टाइम पीरियड हम कवर करते हैं, जिसके अंदर में गैर लैटिन जो राज्य थे उस पर आक्रमण किस प्रकार से किया गया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर में प्रसार किस प्रकार से किया, प्रसार मतलब क्या होता है, विस्तार, प्रसार का मतलब क्या होता है कि फैलाव करना, अपना सीमा का जो बस किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करना, फैलाव करना, दूसरे राज्य को अपने अंदर में विलय करना, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है रोमन साम्राज्य के अंदर में, ठीक है, समझ में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जहां पे हम बात करते हैं कि पश्चिम अफ्रीका के जो राष्ट्र व्यवस्था है समाज और अर्थव्यवस्था के संपेक्ष में चर्चा कीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप बात करते हो पश्चिम अफ्रीका के बारे में, तो पश्चिम अफ्रीका जैसे कि सहारा क्षेत्र के अंदर में लोग ज्यादातर लोग रहा करते थे, पर सहारा क्षेत्र जो था पूरा तरह से मरुस्थली क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था, जैसे जैसे मरुस्थली क्षेत्र के तौर पर सहारा बनता गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो सहारा के लोग थे ना वो पश्चिम अफ्रीका की ओर विस्थापित होने लगे, ठीक है, जो सहारा क्षेत्र के अंदर में रहने वाले लोग थे, मरुस्थली क्षेत्र में रहने वाले लोग थे वो पश्चिम अफ्रीका की तौर विस्थापित होने लगे, और इनके विस्थापित का होने का कुछ इंपैक्ट भी देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे इंपैक्ट क्या देखने के लिए मिलता है कि राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित की जाती है, उनके क्षेत्रों में सीमा के अंदर सहारा पार
व्यापारिक मार्ग बनाए जाते हैं, ठीक है। उस व्यापारिक मार्ग के अंदर में उत्तर दक्षिण अफ्रीका के मध्य व्यापार स्थापित किया जाता है, व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, और जिसका भी नियंत्रित होता था, जो भी शासक जिसका नियंत्रित रहता था, उसको बहुत ज्यादा लाभ कमाने के लिए व्यापारिक मार्गों के थ्रू मिलता था। वहां पर व्यापार को ग्रो करने का एक नए नए ऑप्शन दिए जाते थे। जो व्यापारी होते थे उनका ठहराव स्थल बनाया जाता था, जैसे जो भी व्यापारी आया तो रुक सके, एक तरह से होटल लॉन्च जैसी चीजें व्यवस्था की जाती थी, ठीक है। साथ साथ आप देखोगे राजतंत्रों के अंदर में युद्ध जैसी व्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है, व्यवस्था नहीं कह सकते, मतलब युद्ध जैसी स्थिति रहती थी राजतंत्रों के बीच में, आपसी मतभेद के कारण से युद्ध होता था। इसका युद्ध होने का पर्पस भी एक चीज माना जाता है कि व्यापारिक जो मार्ग होते थे उस पर नियंत्रण स्थापित करना मेन युद्ध का जरिया होता था। अगर किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राजवंश का, अगर राजतंत्र का व्यापारिक मार्गों पर अगर नियंत्रण स्थापित होता था तो वो बहुत ज्यादा फलता फूलता था, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। इसके कारण से भी मतभेद रहता था आपस में, राजतंत्रों के अंदर में मतभेद रहता था और युद्ध जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था। जो भी युद्ध में जीता था उसका व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण होता था, ठीक है, और उसके नियंत्रण से उसको प्रॉफिट वहां पे देखने के लिए मिलता था। राजतंत्रों का जो अत्यधिक लाभ आप देखोगे व्यापारिक मार्गों के कारण से ही माना जाता है, ठीक है। घाना के क्षेत्रों में कृषि जो थी अत्यधिक मात्रा में किया जाता था, कृषि को भी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, ठीक है। कृषि के बेसिस पे घाना जैसे क्षेत्रों के अंदर में कृषि को बढ़ावा दिया जाता था, ठीक है। राजतंत्र कृषि व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए अलग अलग उपाय किया जाता था, जैसे सिंचाई की व्यवस्था, वहां पे जो जलवायु थी उतनी ज्यादा कृषि के लिए फ्रेंडली नहीं थी, तो उसके लिए क्या चीजें की जा सकती थी उसके ऊपर उसकी व्यवस्थित किया जाता था। सोना चांदी जैसे धातुओं का भी उपलब्धता हमें आसानी से देखने के लिए मिल जाता था और व्यापारिक मार्गों के अंदर में इसका उपयोग भी किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आपका फोर्थ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन की बात करो तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर में 250 वर्ड के अंदर में आपको एक टिप्पणी लिखना है, तो ईजी होता है। 5-5 नंबर के दो क्वेश्चन कोई किसी भी टॉपिक पर टिप्पणी लिख सकते हो। हड़प्पा की मोहर किस प्रकार की थी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप इजिली लिख सकते हो। मोहर से, एक मोहर से आपको क्या क्या चीज पता चलता है, राजा कौन था ये पता चला, मोहर के ऊपर में अगर कुल देवी देवता की फोटो छपी हुई है तो ये पता चल जाता कि कौन है उसके कुल देवी देवता, ठीक है। किस टाइम पीरियड में छापा गया ये भी हमें पता चल जाता था, ठीक है। अगर सोने का सिक्का छापा गया, सोने की मोहर बनाई गई है, ठीक है, मोहर के अंदर में क्या डिटेल है, मैं तो यहाँ पे सॉरी मोहर की बजाय मैं सिक्के का बताने लग गया था। अगर आप मोहर की बात करो तो राजा किस राजा की है, क्या बिलोंग करता, उसका टाइम पीरियड क्या है, राजा की मतलब जो पूरी व्यवस्था थी वो किस प्रकार की रही होगी उसके बारे में हमें पता चल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से, होमोनिड, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस सेपियंस जो पूरा है ये आप बता सकते हो, ठीक है। डेरियस प्रथम कौन थे यहाँ पे बता सकते हो, डेरियस प्रथम के बारे में बहुत अच्छे शासक, डेरियस प्रथम या दारिस प्रथम के तौर पर इनको जाना जाता था, तो कौन है भाई बताइए, दारिस प्रथम कौन थे, इनका सभ्यता क्या था, उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार का था, ये सारे जितने भी टॉपिक्स है ना मैं पहले ही करवा चुका हूँ MHI 01 के अंदर में भी, और जो न्यू सिलेबस है सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट का MHI 101 का, उसके अंदर में भी करवा चुका हूँ, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं वीडियो को एक यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूवर से, सभी स्टूडेंट से, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रही है कि इन्फॉर्मेटिव, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाली, आपके लिए वैल्यूबल है, तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब तो जरूर करें क्योंकि हमारा कुछ गोल है, हम उसको अचीव करना चाहते हैं, बट बहुत टाइम से हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं मिल पाता है आपसे, ठीक है, जो प्यार हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो अगर कोई माइंड में सजेशन हो कि सर ये नहीं ये कीजिए आप, ठीक है, तो हम उसको एप्लीकेबल करने के ऊपर कोर्सेज करेंगे अपने ऊपर में, आपके लिए नई तरीके से वीडियो लेकर आएंगे। बट अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए आगे वीडियो हम बात करते हैं। देखो जो आज मैंने आपको असाइनमेंट सॉल्व करवाया था, ठीक है, आपको जो असाइनमेंट सॉल्व करवाया था MHI 101 का जो सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट थे उसके अंदर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया था, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कहाँ पे था, ठीक है, ये देखो ये वाला असाइनमेंट है MHI 101 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। सामंतवाद के प्रमुख बहसों पर टिप्पणी लिखी है, MHI 101 के अंदर में सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये रहा MHI 101 का, यहाँ पे कोड आपको दिख जाएगा, ठीक है, सेमेस्टर मोड वाले स्टूडेंट के लिए। और यहीं पर आपका जो आज में हम यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं MHI 01, ये आपका MHI 01 है, ठीक है, इसके अंदर में भी ये वाला आपको क्वेश्चन सेम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये वाला, मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर में बताया था जब MHI 101 का बना रहा था कि सामंतवाद का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चार चैप्टर सामंतवाद से रिलेटेड, चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सामंतवाद का क्वेश्चन आना ही आना होता है एग्जाम के अंदर में, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करना है सामंतवाद वाले चैप्टर का। अब सामंतवाद के अंदर में अगर प्रमुख बहस की बात करें कि कौन कौन से बहस हुए, किस तरह की बहस हुई, तो यहाँ पे प्रेम की अवधारणा की हम बात करते हैं।
कि पिरेन की अवधारणा क्या है, पिरेन ने क्या बोला, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो पिरेन एक बेल्जियम के इतिहासकार थे, उन्होंने 1922 और 1935 के बीच में अपनी अवधारणा सबके सामने रखी थी। इसके अंदर में उन्होंने इस्लामिक जो कॉन्सेप्ट था, इस्लाम धर्म का जो कॉन्सेप्ट था, इस्लाम धर्म किस तरह से प्रसार कर रहा है यूरोप के अंदर में, उसको सामंतवाद के संबंध में दर्शाने की कोशिश करी उन्होंने, ठीक है, इस्लाम के प्रसार को यूरोप के अंदर में जो जिस तरह से प्रसार कर रहा था उसको सामंतवाद से रिलेट किया, ठीक है। तो पिरेन की अवधारणा ये थी। इसके बाद मार्क ब्लॉग आते हैं, मार्क ब्लॉग भी फ्रांसीसी इतिहासकार थे। ये वैधानिक विचारधारा, जो सब लोग एक जैसी विचारधारा रखते थे, उससे अलग हटकर इन्होंने चीजें बोली। वैधानिक विचारधारा और आर्थिक तत्वों से प्रभावित सामंतवाद की अवधारणा से अलग हटते हुए इन्होंने व्याख्या करा। देखो जितने भी इतिहासकार है ना, सबकी एक वैधानिक विचारधारा थी कि ये चीज बन चुका है, यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसा है तो यही होगा, इस तरह से मान के चलते थे। जितने भी इतिहासकार आए वो आर्थिक तत्वों को प्रभावित, किस तरह से आर्थिक तत्व इंपैक्ट करते हैं, जो नगरीकरण है वो किस तरह से सामंतवाद का इंपैक्ट होता है, तो इन सब के बेसिस पे, आर्थिकरण और नगरीकरण के बेसिस पे ही वो डेफिनेशन देते थे। पर जब यहाँ पे मार्क ब्लॉक आते हैं तो इनसे अलग हटकर वहां पे वो डेफिनेशन देने की बात करते हैं, धारणा देने की बात करते हैं। मार्क ब्लॉक क्या कहते हैं कि सामंतवाद एक ऐसा सामाजिक परिवेश है जिसमें भू संपदा के अधिकारों का विपण के द्वारा राजनीतिक सत्ता का विस्तार किया जाता है, ठीक है। जो भू संपदा है ना, भू संपदा मतलब क्या होता है, जमीन जो है उसके अधिकारों का विपण करके, किसी को सौंप करके, इधर से उधर बांट कर, उसके द्वारा सामाजिक सत्ता का विस्तार किया जाता है, ठीक है। अब देखोगे ना, आपने गेम ऑफ थ्रोन मूवी देखी है क्या? मैंने सुबह को एग्जाम्पल दिया था, पर दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। गेम ऑफ थ्रोन के अंदर में 7 किंगडम्स थे, ठीक है। तो 7 किंगडम का ना एक ही राजा होता था, एक ही किंग होता था, सातों किंगडम का एक ही राजा था, पर उसको भी क्या किया गया था, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ था, ठीक है, कि ये वाला क्षेत्र का राजा ये है, इस वाले क्षेत्र का राजा ये है, ये वाला क्षेत्र का राजा ये है, इस तरीके से बांटा हुआ था। और उन सभी राजाओं का हेड एक 7 किंगडम के अंदर में बैठता था, ठीक है। तो वो राजाओं के पास पूरे अधिकार होते थे, वो टैक्स वसूलते थे, उसको पूरी तरह से रेगुलेट करते थे, किसी को सजा देना होता तो वो भी करते थे, पर वो एक तरह से नाम मात्र के राजा होते थे, उनके ऊपर सिर्फ मालिकाना हक दिया जाता था, पर उनका जो सर्वोच्च होता था वो 7 किंगडम के अंदर में बैठता था। सेम इसी तरह की व्यवस्था आपको मौर्य साम्राज्य के अंदर में भी मिल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चलिए आप बताइएगा, जनपद, महाजनपद जो कहा जाता है ना, वर्ड महाजनपद, महाजनपद की व्यवस्था के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के अंदर में भी महाजनपद जैसी व्यवस्था थी, जिसके अंदर में जो मगध के अंदर में बैठता था राजा, जो लीड करता था पूरे मौर्य साम्राज्य को, उसके ऊपर 16 महाजनपदों का पूरा अधिकार उसके पास रहता था, ठीक है। किस तरह से रेगुलेट करना है सेना का, किस तरह से रेगुलेट करना है कर टैक्स व्यवस्था को, किस तरह से रेगुलेट करना है, ठीक है, जो पूरा दंड का अधिकारी जो भी है, राजा सर्वोच्च माना जाता था उसके अंदर में, तो ये पूरी व्यवस्था आ जाती है। और सामंतवाद कहीं ना कहीं उसी चीज को इंडिकेट करता है। सामंत मतलब होता क्या है, तो फ्यूडलिज्म, और सामंत का जो फ्यूडलिज्म वर्ड है उसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, छोटा सा भूमि का टुकड़ा। किसी व्यक्ति को आप अपना जमीन दे देना कुछ अधिकार के साथ में, कि भैया जा तू सैनिक रख ले, जा तू कर ले ले, इस पे टैक्स वसूल कर ले, जो भी लोग रहते हैं यहाँ पे टैक्स वसूल कर ले, पर कभी मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं तेरा मालिक हूँ, मुझे हेल्प करेगा। तो इस व्यवस्था के तौर के अंदर में सामंत व्यवस्था जानी जाती है। यहाँ पे भारतीय संदर्भ में भी पूछा जाता है सामंतवाद क्या है, तो आपको थोड़ा अच्छे से टाइम देकर पढ़ना है। मैंने वीडियोस बना रखे सामंतवाद के ऊपर में, तो आप वहां से जाके देख सकते हो, और बाकी वीडियोस को भी फॉलोअप करो, अच्छे से कवर होगा आपका, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मध्यकाल में वस्त्र निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। मध्यकाल में वस्त्र निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मध्यकाल में वस्त्र निर्माण वाला, ये वाला क्वेश्चन भी आ रखा था, ठीक है, एमएचआई 101 के अंदर में, ठीक है, एमएचआई 101 का जो असाइनमेंट था उसके अंदर मैंने जो आज करवाया उसके अंदर में भी ये वाला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। मध्यकाल में अगर वस्त्र निर्माण की अगर आप बात करो, तो भारत में सूती कपड़ों का उद्योग सबसे प्राचीनतम शिल्प के अंदर में माना जाता था। विभिन्न किस्म के कपड़ों का उत्पादन किया जाता था, निर्यात एशिया तथा यूरोप के अंदर में, अलग अलग हिस्सों के अंदर में इसका निर्यात किया जाता था। कपड़ों को रंगीन बनाने के लिए दो अलग अलग विधियों का उपयोग किया जाता था, जिसके अंदर में पहली विधि आती है इंडोनेशियाई बाटिक, ठीक है, बाटिक विधि, इंडोनेशियाई बाटिक विधि। इस विधि के अंदर में क्या होता था, कपड़ों को रंग में डूबने से पहले डिजाइन को मोम के से ढक दिया जाता था, जो भी डिजाइन होता था ना, किस तरह का डिजाइन करना, उसको मोम से ढककर उसको छापा मारा जाता था, ठीक है। दूसरा होता है पटोला विधि, ठीक है, सूट पटोला ऐसा करके कोई गाना भी है ना, तो पटोला विधि के हिसाब से कपड़े को कलर करने के लिए दूसरा विधि होता था पटोला विधि। पटोला विधि के अंदर में क्या होता था, कपड़ा को बुनने से पहले, कपड़े को तैयार करने से पहले धागे को रंग दिया जाता था, जिसके बेसिस पे कपड़े के अंदर में डिजाइन आता था और कपड़े के अंदर में कलर आता था, ठीक है। अरबों द्वारा जो धनुषाकार धुनाई की जो मशीन होती थी उसका उपयोग किया जाता था धुनने के लिए, ऊन को धुनने के लिए, ठीक है, धनुषाकार तरह का होता था उसका उपयोग किया जाता था।
मध्य एशिया के अंदर में जो इस्लामिक देश थे वहां पे कालीन का निर्माण प्रमुख उद्योगों के तौर पे माना जाता था। चीन के अंदर में जो महिलाएं थी वो घरों के अंदर में कताई और बुनाई का कार्य करती थी। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर में बड़े पैमाने पर कपड़ा बनाया जाता था, कपड़े का निर्माण किया जाता था। तो इस तरीके से आप कपड़ा का किस तरह से पूरा वो रहा आप यहाँ पे बता सकते हो। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि भारत के अंदर में किस प्रकार से चला, ऊन का निर्माण किस प्रकार से हुआ, सब चीजों का यहाँ पे पूरा डिटेल में आपकी बुक में देखा है। तो आप वहां से लेकर इसको लिखकर सही तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर अगर मैं बढ़ू तो यहाँ पे 8 में हम बात करें कि आधुनिक विश्व में संक्रमण की अवधि के दौरान व्यापारिक गतिविधियों में आए परिवर्तन की चर्चा कीजिए। जब आधुनिक विश्व के अंदर में संक्रमण हुआ, जो मतलब जो पूरा जो समाज था आधुनिक विश्व की ओर, मॉडर्न वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा था, तो उस दौरान में व्यापारिक गतिविधियों में क्या परिवर्तन आया? तो उस दौरान में परिवर्तन में क्या देखने के लिए मिलता है कि 15वीं शताब्दी में व्यापारिक मार्गों की खोज की गई। जो भी व्यापारिक मार्ग थे ना उनकी खोज की गई, उससे क्या हुआ भैया, व्यापार का विस्तार हो गया। ठीक है, व्यापार का प्रसार हुआ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए लोग, व्यापारिक संगठनों का उदय हुआ। अब क्या हुआ, जो लोग ना सही तरीके से व्यापार कर सकते, तो संगठनों का निर्माण किया गया। ठीक है, व्यापारिक जो वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था थी होती थी उसका प्रसार किया गया। अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का प्रसार पे जोर दिया गया। किसी खास क्षेत्र के अंदर में व्यापार के ऊपर में एकाधिकार भी स्थापित करने का राइट दिया गया कि अगर आप इस क्षेत्र के अंदर में करते हो और इकलौते आप ही हो तो एकाधिकार है आपका, आप इसके ऊपर राज कर सकते हो। जैसे नील की खेती का निर्माण करने का एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था जब भारत गुलाम था ब्रिटेन का। तो ठीक है, तो इस तरीके से एकाधिकार स्थापित करना मतलब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर में एकाधिकार। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक जैसी जो स्थायी कंपनियां थी उसका निर्माण किया गया। शेयर मार्केट के अंदर में पैसा लगाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी चीज होती है, जो नहीं लगाता तो उसको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, भारत के अंदर में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, हर व्यक्ति को जो अगर आप 2 रुपए बचाते हो 4 रुपए बचाते हो, बाकी की बात मत सुनो कि आपका सेविंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इनकम है तब आपको लगाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप 2 रुपए बचा रहे हो ना तो 2 रुपए ही इन्वेस्ट करो, कम से कम इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करने की आदत डालो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टॉक मार्केट जैसी चीजों का उपयोग किया जाने लगा, उसको लाया गया और लोगों का पैसा जो जनता आम जनता होती थी उसका पैसा उसमें निवेश किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय स्टार्ट किया गया, एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं की लेन देन स्थापित की गई। अंतर्राष्ट्रीय ग्राम व्यवस्था, आज के समय में मैं भारत में बैठा हूँ पर चीन की चीजें उपयोग कर रहा हूँ। लेनोवो का मेरा लैपटॉप है, ठीक है, जिस जो मेरा राइटिंग पैड एक्सपी का है, तो अलग अलग तरह के चीजें यूज कर रहे हैं हम, फोन यूज कर रहे हैं, टेलीफोन यूज कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं अलग अलग जगह की चीजें खा रहे हैं, पी रहे, रह रहे, कपड़े पहन रहे, तो क्या है वो एक ग्राम व्यवस्था के तौर पे हमने ट्रीट कर लिया। एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं, एप्पल कंपनी कहाँ की, अमेरिका की, पर यूज कहाँ कर रहा हूँ मैं, इंडिया में कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अवेलेबल है। तो एक तरह से ग्राम व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था क्या होता है, गाँव के अंदर में हर एक व्यक्ति के घर के अंदर में क्या चीज है वो दूसरे व्यक्ति को पता होता है कि कितना पानी में और क्या चीज बना होगा इसके घर में, क्या खाया हुआ क्या नहीं खाया हुआ, कितनी सब्जी उसके घर में पड़ी है, हर एक दूसरे व्यक्ति को पता होता है। तो एक तरह से ग्राम व्यवस्था यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है। बाजार की जो संरचना थी उसके अंदर में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। मध्यकाल में बाजारों को, मध्यकाल का अगर आप कंपेयर करोगे तो बाजार और मेलों के अंदर में व्यापार किया जाता था, पर आज के समय में मेले और बाजार के अंदर में व्यापार नहीं किया जाता, फोन के थ्रू व्यापार किया जाता है और अलग अलग परिवर्तन हमें देखने को मिल जाता है। स्थायी बाजारों की स्थापना की जाती थी, की गई अभी इस समय पे। ठीक है, विशिष्ट व्यापारी का वर्गों का उदय हुआ, एक प्रॉपर डेडिकेटेड वर्ग उदय हुआ कि ये भैया ये जो वर्ग है ना ये व्यापारिक वर्ग है, ये व्यापार ही करना इसका काम रहता है। ठीक है, इस तरह से वर्गों का उदय हुआ। सॉरी, अगला जो क्वेश्चन आपका आने वाला है क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि मध्यकालीन यूरोप में जो नगर थे उनका विकास किस प्रकार से हुआ, नगरों का विकास मध्यकालीन यूरोप में, नगरों का विकास। यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में बात करूं मध्यकालीन में नगरों का विकास का, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अगर आप बात करोगे नगरों का विकास, तो जैसे जैसे यूरोप के शहर विकास कर रहे थे, जैसे जैसे शहरों का ग्रो हुआ, ठीक है, बस्तियों का ग्रो हुआ, लोग एक एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना स्टार्ट किए। जो गांव में लोग रहते थे वो शहरों की ओर जाने लगे, गांव में रोजगार जैसी व्यवस्था नहीं थी, जनसंख्या जो शहर की थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, गांव के अंदर में जो ग्राम व्यवस्था के अंदर में रहते थे लोग उनके पास पूरी सुविधाएं नहीं होती थी। शहरों के अंदर में अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग वर्क करते थे, कार्य क्षेत्र के अंदर में विभिन्नताएं हमें देखने के लिए मिलती थी। गाँव के अंदर में नंबर ऑफ टाइम ये देखने के लिए मिलेगा, नंबर ऑफ जो भी पीपल है वो एक ही तरह के वर्ग में सम्मिलित रहते थे, पर शहरों के अंदर में अलग अलग लोग अलग अलग तरह का कार्य करते थे। मैं टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, कोई अकाउंटेंट का कार्य कर रहा है, कोई वीडियोग्राफी का कार्य कर रहा है, मतलब अलग अलग तरह का कार्य कर रहे हैं। तो शहर के अंदर में ये डाइवर्सिटी हमें देखने के लिए मिल जाती थी, तो जिसके कारण से जब लोग शहर की ओर पलायन करने लगे, जैसे दिल्ली, दिल्ली है कैसे,
लॉकडाउन के अंदर में दिल्ली से जब मजदूर सारे चले गए तो दिल्ली एक सुनसान क्षेत्र बनकर रह गया था। दिल्ली के अंदर में कोई काम करने वाला था नहीं, ठीक है, लेबर मजदूर नहीं थे। तो दिल्ली को दिल्ली बनाने वाले कौन है भैया? तो लेबर मजदूर है जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करके आकर बसे हुए हैं। मैं बिहार से आकर बसा, अगर मैं बिहार में ही रहता तो शायद मैं आपके लिए कभी वीडियो नहीं बना पाता, कुछ और कर रहा होता, ठीक है। मैं जिस जगह से पढ़ा, दिल्ली में रहा पढ़ा, ठीक है, जो भी मुझे सुविधाएं मिली, अगर बिहार में रहता तो ये चीजें नहीं मिलती। आपके मम्मी पापा भी कहीं ना कहीं से आए होंगे, दिल्ली के अंदर में रह रहे हैं या जो भी जहां से है, तो वो चीजें अगर वो ग्राम क्षेत्र से नहीं आता, दिल्ली को दिल्ली बनाने वाले कौन है? तो जो लोग विस्थापित होकर दूसरी जगह आए ना, जो शहर के अंदर में आए, वो उसको शहर बनाया, दिल्ली को दिल्ली बनाया। अगर वो लोग ही नहीं रहते ना, तो वो चीजें कभी बन ही नहीं पाता, वो चीजें कभी हो ही नहीं पाता। ये हमें माइंडसेट की जरूरत है, ठीक है। तो मध्यकालीन यूरोप के अंदर में नगरों का विकास क्या हुआ, कैसे हुआ? तो यहाँ पे औद्योगिक क्रांति के कारण से शहरों के अंदर में जो क्या था, औद्योगिक क्रांति हुआ, शहरों के अंदर में अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग पहुंचे उसके कारण से, ठीक है। मध्यकालीन यूरोप के अंदर में नए नए शहरों का जो उदय हुआ उसके कारण से, मध्यकालीन के अंदर में जो प्राचीन शहरों के जो अवशेष मिलते हैं उसके बेसिस में हमें पता चलता है कि किस प्रकार के शहर का निर्माण किया जाता था, उसके बेसिस पे भी हमें चीजें समझ में आती है। शहरों की जो गतिशीलता है, किस तरह से शहर ग्रो कर रहा है, किस तरह से तेजी से भाग रहा है, ठीक है, उसके उसके बेसिस पे हमें पता चलता है। अगर आप दिल्ली में किसी भी जगह पर रहते हो, एक महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ, एक महीने बाद आओगे तो आपके आसपास का रोड अगर अच्छा बना हुआ है तो पूरा टूटा हुआ मिलेगा, अगर वहां पे मेट्रो नहीं है तो मेट्रो आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा हो ही जाएगा, आप एक बार करके देख सकते हो। तो किस तरह से गतिशील व्यवस्था में है शहर, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे एंड हो जाता है। जो दसवां क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखना है, टिप्पणी वाला क्वेश्चन मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं होता, बट यहाँ पे लिख सकते हो ताओ धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने कल ही करवाया था, MHI 101 के PDF के अंदर मिल जाएगा आपको। अगर आपको PDF चाहिए तो गूगल ब्लॉगर पे भी जा सकते हो, वहां पे आपको मैंने पूरा डाल रखा है सॉफ्ट कॉपी, तो वहां से भी आप लेकर उसको कर सकते हो, ताओ धर्म के ऊपर में और जैन बौद्ध धर्म के ऊपर में, ठीक है। भारत का समुद्री व्यापार किस प्रकार से था, ये वाला MHI 101 के अंदर मैंने करवाया, वहां से कर सकते हो। बंजारे किस प्रकार से, जो मैंने अभी बताया था, मध्य प्रदेश और राजस्थान से बंजारे आते हैं जो लोहार का काम करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे कॉपरनिकस का योगदान क्या था, इसके बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। ये वाला जो कॉपरनिकस वाला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, टॉप टिप्पणी कई बार पीछे पूछा गया है, तो आप कर सकते हो अगर आपको टिप्पणी वाला क्वेश्चन पसंद है तो। अदरवाइज तो मेरा जो टारगेट रहता है, मेन जो क्वेश्चन होता है उसको पढ़ने का, ठीक है, टिप्पणी वाले को मैं अवॉइड ही करता हूँ। तो ये आपका आज का वीडियो रहने वाला है, MHI 01 का आपके असाइनमेंट का सॉल्व असाइनमेंट, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप रेज कर सकते हो, मैं आंसर दूंगा हमेशा आपके लिए। एंड अगर आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाओ, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक है, वहां से जुड़ सकते हो। MA हिस्ट्री के ग्रुप में जुड़ना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जुड़ सकते हो। बस रिक्वेस्ट यही रहेगा वीडियो को एंड करते करते कि हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे बढ़ पाते हैं। चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।